Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I switch over to another topic which belongs to philosophy. And this time I am going to discuss with you all a very important, relevant, and you can say it is the time of the need of the hour to know about this topic, that is educational implications of Gita, our philosophy, our Hindu philosophy. And this lecture will be useful for various competitive teaching examinations, as well as not for that only, but for your daily, day-to-day life, you can say upheaval. So, फिलोसफी ऑफ गीता, देखिए जब हम हिंदू फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी हमारे कोर्स में होता है तो वहाँ पर हमको गीता पढ़ाई जाती है. वैसे भी हमें जानना चाहिए गीता में क्या लिखा गया है, क्योंकि और देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, है ना, कि इतना डिटेल में तो हम लोग नहीं जानते हैं जब इसको पढ़ते नहीं हैं, पर इतना जानते हैं कि जो हमारी जो माइथोलॉजी में लिखा है कि जब अर्जुन, मतलब उनके मन में द्वंद आ गया, कॉन्फ्लिक्ट आ गया, डायलेमा आ गया, कि वो जिनसे लड़ने जा रहे हैं युद्ध में, महाभारत के रणक्षेत्र में खड़े हैं, तो उनको मार के वो जो सत्ता हासिल होगी उससे उनको क्या ही सुख होगा, बिकॉज वो जिनको जिनका वो वध करेंगे वो उनके अपने हैं, है ना, कुछ इस तरीके का. तो ये कहने का मतलब है, बहुत मतलब कितना कुछ आप PPT में लिख सकते हैं ना, कि फिलॉसफी जो है गीता की वो इसलिए शाश्वत है कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म ग्रंथ में लिखा, इसलिए किसी भी धर्म में, किसी भी जाति के, किसी भी मानव मात्र से ये संबंधित है, किसी भी विश्व में कहीं भी, बिकॉज ह्यूमन इज़ ह्यूमन, है ना, उसका साइकी उसकी वैसी ही है. तो हम दिन भर, मतलब दिन प्रतिदिन अपनी पूरी जीवनचर्या में हर रोज़ हमारे सामने कोई द्वंद आता है, हम डायलेमा में फंसते हैं. तो अगर हमने गीता की फिलॉसफी को आत्मसात कर लिया है तो बहुत हद तक आपको आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे. तो वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हम इसको पढ़ते पढ़ाते हैं और हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं. कितने ही इसकी इंटरप्रिटेशंस किए गए, और आप समझ सकते हैं कि लाखों तो इसके इंटरप्रिटेशन हैं, उसके बावजूद हर आदमी इसको अपने एंगल से देख के इसमें अपना एक अलग नया अर्थ निकाल सकता है. इतना ये गहन, इतना ये गूढ़ है जो लिखा गया है. सो अगर किसी भी और फिलॉसफी की तरह, लाइक एनी अदर फिलोसफी, द गीता हैज इट्स मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, एनीथिंग्स. हम लोग इतना जान चुके हैं कि फिलोसफी की मेन चार ब्रांचेस होती हैं, वैसे कभी कभी तीन भी पढ़ाई जाती हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी. और एक्सियोलॉजी में ही आपका आ जाता है इथिक्स और एक्सियोलॉजी एनीथिक्स. अच्छा, लॉजिक भी कहीं कहीं होता है ना, कहीं कहीं पाँच आपको बताए जाते हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, एनीथिक्स या लॉजिक. तो मेटाफिजिक्स क्या है आपका? तत्व मीमांसा. एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान मीमांसा, एक्सियोलॉजी मूल्य मीमांसा, और इथिक्स नीति शास्त्र, है ना. किसी भी फिलॉसफी को आपको समझने के लिए अगर आपने उसके ये चार पिलर्स समझ लिए तो आप समझ सकेंगे कि वो दर्शन क्या कह रहा है. तो और हम ये भी बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुके हैं हम लोग कि मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी और इथिक्स क्या होती है. देखिए मेटाफिजिक्स को तत्व मीमांसा तो कहते ही हैं, अगर इसके लिटरल मीनिंग पे जाएंगे तो मेटाफिजिक्स का मतलब अधिभौतिकी, मतलब भौतिकी से ऊपर है. भौतिकी क्या है? ऑब्जेक्टिव साइंस है. तो वो कह रहे हैं कि वो प्रश्न जिनके उत्तर आप ऑब्जेक्टिवली नहीं ढूंढ सकते, या आप कह सकते हैं कि विज्ञान जिनके उत्तर देने में अक्षम है, फिजिक्स से ऊपर, मेटाफिजिक्स. ओके, तो मेटाफिजिक्स किसकी स्टडी करता है? रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस. देखिए विज्ञान इसके उत्तर नहीं दे सकता कि हम क्यों हैं, हम संसार में, हमारा अस्तित्व क्या है, हम कौन हैं, हमारा उद्देश्य क्या है इस जीवन में, अस्तित्व क्या है, वास्तविकता क्या है, इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान नहीं देता है. इट्स मेन कोर इज हु वी आर एंड व्हाट इज अवर पर्पज इन दिस वर्ल्ड. मेटाफिजिक्स डील्स विद द नेचर ऑफ द सेल्फ, द यूनिवर्स एंड द सुप्रीम रियलिटी. मेटाफिजिक्स जो है वो स्व, आप कौन है, मतलब हम कौन है, सेल्फ से रिलेटेड है इस पूरे ब्रह्मांड से, और जो सुप्रीम रियलिटी है, जो सुप्रीम सत्ता है, उससे डील करता है. इफ़ वी लुक इन, यही बात जो मैंने अभी आपसे कही कि इफ़ वी लुक इन टू इट्स लिटरल टर्म, इट मीन्स बियॉन्ड फिजिक्स, मीन्स वी कैनॉट रीच द आंसर्स बाई फॉलोइंग द रूल्स ऑफ फिजिक्स और बाई ऑब्जेक्टिव रियलिटी. यानी कि अगर हम इसकी शाब्दिक अर्थ में जाएंगे तो इसका मतलब है कि फिजिक्स से बियॉन्ड, इसीलिए इसको अधिभौतिकी भी कहते हैं, यानी कि आप वस्तुनिष्ठ रियलिटी के द्वारा आप इसका अध्ययन नहीं कर सकते. और तो मेटाफिजिक्स गीता का क्या कहता है? द मेटाफिजिक्स ऑफ गीता डील्स विद, ये किससे डील करता है? ईश्वर से, आत्मा से, जीव से, आपकी सोल से और पूरे ब्रह्मांड से. इट स्टेट्स, और ये क्या कहता है कि सोल जो है, जो आत्मा है, वो अविनाशी है, शाश्वत है,
वो उसका ना जन्म हुआ है ना उसकी मृत्यु होनी है, वो कभी खत्म नहीं होनी है, वो अव्यक्त है, वो इमोवेबल है, वो इम्यूटेबल है, ये सारे विशेषण आत्मा को गीता देती है। इपिस्टेमोलॉजी क्या है? इपिस्टेमोलॉजी मैंने ज्ञान मीमांसा, तो ज्ञान मीमांसा का हमेशा मतलब होता है कि उस फिलॉसफी में ज्ञान का क्या मतलब है और उस फिलॉसफी के हिसाब से ज्ञान को कैसे आप ग्रैस्प कर सकते हैं, कैसे ग्रहण कर सकते हैं, अधिग्रहण कैसे कर सकते हैं। तो इपिस्टेमोलॉजी डील्स विद द नेचर ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्रकृति क्या है एंड हाउ टू ग्रैस्प दिस नॉलेज, और आप इस ज्ञान की प्राप्ति कैसे करेंगे, दी सोर्सेज टू गैदर नॉलेज, किस किन किन स्रोतों से ज्ञान की का संग्रहण किया जा सकता है। तो भगवद गीता रिप्रेजेंट्स डिफरेंट पाथ्स टू अटेन नॉलेज, भगवद गीता में हमको ज्ञान को प्राप्त करने के बहुत सारे रास्ते बताए गए हैं, एंड द रियलाइजेशन ऑफ द अल्टीमेट ट्रूथ मेनली थ्रू ज्ञान योग, है ना। जो अंतिम सत्य है उसकी प्राप्ति के लिए उन्होंने मुख्यतः ज्ञान योग की बात की है, और उसका लक्ष्य यह है कि हमको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए, हमको ये अनुभूति मिल जाए कि हम क्यों हैं इस संसार में, हमारा मेन मोटिव क्या है, और इसी को इनलाइटनमेंट कहते हैं। आपको ज्ञान मिल जाएगा अगर आप ये जान जाएंगे तो। फिर उसी क्रम में एक्सियोलॉजी क्या है कि वो फिलॉसफी की वो शाखा जो कि मूल्यों से डील करती है। द भगवद गीता प्रोवाइड्स इनसाइट्स इन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एक्शन, ड्यूटी एंड द परस्यूट ऑफ राइटियसनेस। जो भगवद गीता है वो हमको अंतर्दृष्टि देती है कि हम सही काम, सही कर्तव्य और जो हमारे लिए राइट है उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, वही वैल्यू है, एक्सियोलॉजी है गीता की। और इथिक्स डील्स विद व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, इथिक्स या नीति शास्त्र इससे डील करता है कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इट इज़ मेनली कंसर्न विद व्हाट इज़ मॉरली राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, इसका लेना देना इससे होता है कि क्या नैतिक रूप से सही है और क्या नैतिक रूप से गलत है। तो गीता की इथिक्स हमको क्या सिखाती है, इट टीचेज अस दैट वंस नेचुरल डिजायर्स एंड इंस्टिंक्ट्स शुड बी ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द माइंड, यानी कि ये हमको सिखाती है कि जो हमारी प्राकृतिक इच्छाएँ हैं, जो हमारी इंस्टिंक्ट हैं, उसको हमको माइंड के कंट्रोल में रखना चाहिए, मतलब वो अनकंट्रोलेबल होकर ना घूमे। हेयर एथिक्स इज रिफ्लेक्टेड इन कंसेप्ट्स लाइक, और यहाँ पे नीति शास्त्र का गीता में मतलब है कि स्वभाव, स्वधर्म, निष्काम कर्म, निष्काम कर्म आपने बहुत सुना होगा, डिटैचमेंट मतलब कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, इट इज द मोस्ट पॉपुलर सेइंग ऑफ गीता आई कैन से। जो कुछ भी नहीं जानता है, बच्चे भी जो नहीं जानते गीता के बारे में, कुछ कुछ शायद उन्होंने ये कहीं सुना होगा, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। कभी कभी हम लोग जब छोटे थे हमको इतनी बुद्धि नहीं थी तो आती थोड़ा सा इस पर हंस भी लेता था कि अरे ऐसा कैसे संभव है कि काम करेंगे फल की इच्छा नहीं करेंगे। बट आपको समझ में आएगा थोड़ा सा जब आप मैच्योरिटी आपके अंतर्गत आती है, अंदर आती है, कि ये कितनी बड़ी बात है, और अगर ये आ गया तो आपके सारे कष्ट ही खत्म हो जाएंगे। डिटैचमेंट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द इथिक्स ऑफ गीता। तो गीता के हिसाब से नीति शास्त्र में वो कहता है डिटैचमेंट, विरक्ति अगर हमको हो गई तो विरक्ति हमको खुशी से भी होगी और दुख से भी होगी ना, ये भी तो सोचने की बात है। अगर हम खुश, हमको कोई ऐसी क्षणिक क्षणिक ऐसे कुछ हम लोग को मिल जाता है जिसमें हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, तो एक्चुअली अगर वो खुशी इटर्नल होती और हमारे साथ हमेशा रहती तो अगले क्षण हम दुखी क्यों होते, तो हम न्यूट्रल रहेंगे ना। कुछ ऐसा आपको लगता है कि क्षणिक खुशी, उसमें भी आप सद्भाव से रहिए, नॉर्मल रहिए, और कोई दुख की बात आएगी तो उसमें आपको दुख भी नहीं होगा। डिटैचमेंट तो यही सिखाता है ना। तो गीता इज़ ए रिलीजियस फिलॉसफी। अच्छा अब ये देखें कितनी तरीके की फिलॉसफी, किसी ने ये रिलीजियस फिलॉसफी भी है, ये रेशनल फिलॉसफी भी है, ये सोशल फिलॉसफी भी है। रिलीजियस क्यों? क्योंकि हमको धर्म ग्रंथों में मिली है, धार्मिक हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें इसका वर्णन मिलता है, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स इसको डील करते हैं। ये स्पिरिचुअल फिलॉसफी भी है क्योंकि ये आध्यात्मिक फिलॉसफी, आध्यात्मिक दर्शन है। क्यों? क्योंकि आध्यात्म से इसका लेना देना, ये ब्रह्म की बात करती है, ये बताती है कि कैसे आप ब्रह्म से आपका साक्षात्कार हो सकता है। ये सामाजिक दर्शन भी है। क्यों? क्योंकि ये बताती है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको सोशली कैसे एक्ट करना है। भाई जब अर्जुन परेशान हुए तो वो तो उनकी सोसाइटी, उनके सोशल ग्रुप, उनकी फैमिली और ये वाली बातें थी ना जो उनको परेशान कर रही थी, तो उसके उत्तर इसने दिए। तो ये सामाजिक फिलॉसफी भी है, आपको बताती है कि किस तरह से आपको परिवार में, समाज में और समुदाय में रहना है और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। और ये रैशनल फिलॉसफी भी है, तार्किक दर्शन है, क्योंकि तार्किकता से डील करती है। ये बताती है कि आपका, आपके लिए सही क्या है और आप उसको क्यों करें, क्योंकि वो लॉजिकल है और उसके परिणाम के लिए आपको सतर्क कर, आप बताती है कि ये उसके परिणाम होंगे। तो अब जो मेन क्वेश्चन है, मतलब जो मेन टॉपिक है हमारा जिससे हमको लेना देना है, वो हो गया एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। तो बहुत सारे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन का क्या मतलब, कि ठीक है गीता को सिर्फ आप एज अ फिलॉसफी मत पढ़िए, बल्कि आप उसको इस तरह से पढ़िए कि शैक्षिक निहितार्थ, शिक्षा में या जीवन में आप उससे क्या ले सकते हैं, है ना, कौन से उसके सिद्धांत हैं जिसका अनुकरण करके हम अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। तो इसका जो फोरमोस्ट इम्प्लीकेशन है वो है सेल्वेशन,
मोक्ष प्राप्ति. देखिए हम लोगों को लगता है कि हम मोक्ष प्राप्ति हमारा उद्देश्य नहीं हो सकता, बिकॉज़ हमको तो बड़ा बनना है, हमको तो और ज़्यादा हमारी डिज़ायर्स बढ़ती जानी है और हमको उसके उसकी प्राप्ति के लिए काम करना है. बट मोक्ष प्राप्ति क्या कहता है? कहता है कि आप जीवन मरण के मतलब ये थोड़ा फिलोसॉफिकल लगता है बोलने में, समझने में, कि हमारा जन्म इस संसार में, हमको ये संसार मिला है तो इसलिए मिला है कि हम परम ब्रह्म से हम मिल जाएं और फिर हमको वापस लौट के संसार में ना आना पड़े. क्यों? क्योंकि ये संसार जो है वो दुखों का कारण है, ये बुद्धिस्ट भी कहते हैं, है ना. क्योंकि यहाँ हम डिज़ायर और ये हमारा लस्ट और हमारा ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमको परेशान करती हैं, आसक्त करती हैं हमको अपनी तरफ, और हम अपने मुख्य लक्ष्य से भटक जाते हैं. और ये हमारी हिंदू फिलॉसफी ये कहती है कि इसीलिए हम बार बार इसी संसार में घूमते रहते हैं और हम कष्ट पाते रहते हैं. तो अगर हमारे अंदर ये भाव आ जाए कि नहीं, हमको सेल्वेशन की तरफ जाना है, हमको डिटैच हो जाना है, तो आप बहुत मतलब अब पता नहीं कितने लोग, मतलब ये गीता ऐसा कह रही है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, आप यू कैन डिफर विद दिस व्यू पॉइंट. तो मोक्ष प्राप्ति और सेल्वेशन इज द कोर एम ऑफ एनी हिंदू फिलॉसफी. हमारे हिंदू दर्शन का ये मुख्य उद्देश्य है. हिंदुइज्म बिलीव्स इन द प्रोसेस ऑफ रीबर्थ, क्योंकि जो हमारा हिंदू धर्म है वो पुनर्जन्म की प्रक्रिया में विश्वास करता है. इट अज्यूम्स, ये मानता है कि वेन द सोल मीट्स विद द सुप्रीम सोल और ब्रह्म, देन शी गेट्स सेल्वेशन एंड दैट डज नॉट टेक बर्थ अगेन इन दिस वर्ल्ड. वो मानता है कि जब हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है तो हमको दोबारा इस संसार में जन्म लेने नहीं आना पड़ता, यानी हमारे दुखों का अंत हो जाता है. गीता गिव्स प्राइम इंपॉर्टेंस टू मैन. सबसे ज़्यादा ये मनुष्य को इम्पोर्टेंस देती है. मैन इज़ दैट पार्ट ऑफ द, कहते हैं ना कि मतलब परमात्मा का ही अंश सभी जीवों में है ना, इसलिए कहा जाता है ना. तो इसलिए जो मनुष्य है उसको दुख, कष्ट, वर्ल्डली डिज़ायर्स, ग्रीड, मतलब आपका ये जो लालच है, जो इच्छाएं हैं, जो क्रोध है, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों में नहीं फंसे रहना चाहिए, बिकॉज हम तो परमात्मा के अंश है ना. बहुत बड़ी बात है ये. तो द मेन एम ऑफ एजुकेशन मस्ट बी टू हेल्प इंडिविजुअल्स गेट सेल्वेशन. तो मुख्य उद्देश्य शिक्षा का ये होना चाहिए कि इंडिविजुअल्स को मतलब हम बता सकें कि आपका परम उद्देश्य सेल्वेशन है और आप उस दिशा में काम करिए. सब ये डिज़ायर, ग्रीड, एंगर, ये सब छोड़ दीजिए. यूनाइट विद द सोल ऑफ सुप्रीम एंड गेट अल्टीमेट जॉय एंड हैप्पीनेस. और वही अनंतिम यू कैन से कि खुशी का स्रोत है. द प्रेजेंट वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ क्राइसिस. हमारा जो आपने आप रोज हमको हम देखिए रोज कॉन्स्टेंट कंडीशन क्या होती है कि हम दुखी होते हैं रोज़, बस उसकी वजह बदल जाती है, लेकिन हम दुखी रोज रहते हैं. आज हम इस बात से दुखी हैं, कल इस बात से, कल दूसरी बात से, फिर उसके बाद नहीं कि. और अगर हम खुश होते हैं तो कैसे क्षणिक थोड़ी देर के लिए, और फिर से दुख विद्यमान हो जाता है, पर हम इस चीज़ को समझते नहीं. तो जो हमारा प्रेजेंट वर्ल्ड है वो उसमें क्राइसिस है, उसमें पैंडेमिक आ रहा है, उसमें दुख है, उसमें धोखा है, और ये सब है. तो द रूटेडनेस ऑफ अवर सेल्फ इन द आत्मा विच इज़ द स्पिरिट ऑफ द कॉस्मोस इज द पेनेशिया फॉर ऑल द वर्ल्डली सोरोज. वो कह रहे हैं कि संसार के सभी दुखों के लिए राम बाण है कि हम वो जो परम सत्ता है उससे हम साक्षात करने का प्रयास करें. हैं सेल्वेशन इज द एम ऑफ एजुकेशन इज मोस्ट वर्दी इन द प्रेजेंट टाइम लाइक नेवर बिफोर. इसलिए कह सकते हैं आप कि प्रेजेंट वर्ल्ड चूंकि सबसे ज़्यादा इस वक्त पेन है, सोरो है, वर्ल्डली डिजायर्स है, ग्रीड है, एंगर है, इसलिए इस वक्त सेल्वेशन का जो एम है उसकी महत्ता और बढ़ जाती है. देखिए चूंकि ये फिलोसफी है तो उसको सिर्फ पढ़ के नहीं निकला जा सकता, इसलिए थोड़ा टाइम टेकिंग वीडियो हो जाएगा. फिर दूसरा है डिटैचमेंट यानी निष्काम कर्म, यानी कि यही बात जो भी मैंने कही कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो. तो अगर हम डिटैच कर लेते हैं, देखिए हम जैसे मान लीजिए कि पढ़ते हैं, है ना, हम पढ़ रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि हम टॉप कर लें, तो हमारे ऊपर ये ओहो एक मिनट ना लाइट ऑन करने उठना पड़ेगा. तो हम जैसे पढ़ रहे हैं और हमारा उद्देश्य यह है कि हमको टॉप करना है, तो हम हमेशा प्रेशराइज्ड हैं कि टॉप नहीं कर पाए तो क्या होगा, टॉप नहीं कर पाए तो क्या होगा, या कोई भी इस तरीके का कोई भी काम, क्योंकि हम उसमें अटैचमेंट हमारा हो जाता है. लेकिन अगर हमने डिटैच है तो हमारा काम है कि हम पढ़ रहे हैं, परिणाम जो भी होगा वो हमारे बियॉन्ड अवर कैपेबिलिटी है ना, हमारा उस पर जोर नहीं है, इसलिए हम परिणाम की के बारे में नहीं सोचते, वह सिर्फ काम करेंगे बेहतर. अगर हम इस तरह से सोचना शुरू करें तो बहुत हमारा प्रेशर कम हो जाएगा, चिंता कम हो जाएगी, और हम
बेहतर परफॉर्म करेंगे आई कैन से. तो इफ़ यू डिटैच अवर सेल्स फ्रॉम द आउटकम ऑफ द रिजल्ट देन वी फील फ्री, हमको लगेगा मुक्त हैं हम, हमारा वर्क प्रेशर कम हो जाएगा, एंड एंग्जाइटीज फ्रॉम सक्सेस एंड फेल्योर वैनिश, यानी कि जो चिंता है जो कि आपको खुशी मतलब असफलता और सफलता से मिलने वाली वो सब कम हो जाएगी और हम अपना बेस्ट दे पाएंगे. बट अलास, लेकिन दुख की बात है, अवर प्रेजेंट एजुकेशनल सिस्टम इज ओवरवेलम्ड बाय द प्रैग्मेटिक फिलॉसफी. लेकिन जो ये प्रैग्मेटिज्म है उसने इतना कैप्चर कर लिया है हमारी ये प्रेजेंट एजुकेशनल सोसाइटी को कि हम सिर्फ गोल की तरफ भागते हैं. प्रैग्मेटिज्म क्या कहता है कि वो बात सही है जो आपका उद्देश्य पूर्ण कर रही है, अदरवाइज कोई बात सही नहीं. और ये अमेरिकन ओरिजिन की फिलॉसफी है, लेकिन इसने मतलब किसी को भी पूरा आत्मसात नहीं करना चाहिए था ना, हमको अपनी रूटेडनेस पे तो देखना चाहिए था ना, हमारी जड़ें कहाँ से जुड़ी हुई हैं. है तो इसने पूरा ओवरवेलम कर दिया कि हमको सिर्फ पर्पस, गोल और आउटकम दिखता है. अब अगर ये बात कहेंगे तो आउटकम बेस्ड एजुकेशन की आजकल बहुत बात चल रही है, खैर ये फिलॉसफी है. बट वन थिंग वी मस्ट रिमेंबर इज दैट प्रैग्मेटिक फिलॉसफी ओरिजिनेटेड एंड नर्चर्ड इन अमेरिका. देखिए यही बात इसमें लिखी है कि ये फिलॉसफी तो अमेरिका में नर्चर हुई, ओरिजिनेट हुई, आपका तो इंडियन कल्चर है इंटायरली डिफरेंट है इससे. तो इफ़ वी कैन मेक अवर स्टूडेंट्स लर्न द स्किल ऑफ डिटैचमेंट, अगर हम अपने स्टूडेंट्स को ये डिटैचमेंट की स्किल सिखा सके, देन इट कैन मेक रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन लाइफ. तो मनुष्य के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे. डिटैचमेंट इज द फाउंडेशन स्टोन फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस टू. देखिए जैसे बल्कि इसका एक यू कैन से कि क्या बोलते हैं उसको, विरोधाभास, कंट्राडिक्शन चलता है. लोगों को लगता है कि जो डिटैच है वो तो बिल्कुल इमोशनल नहीं है, बट इमोशनल इंटेलिजेंस का फाउंडेशन स्टोन ही डिटैचमेंट है. आप कि आप मतलब जिससे बहुत आपको आसक्ति लग रही है, अगर आप उससे भी विरक्ति शो कर सकें तो कितनी बड़ी बात है. हाउएवर मिस्टेक इन दी, वही बात फिर लिखिए यहाँ कि मिस्टेक इन दी फ्यू पीपल इक्वेट डिटैचमेंट विद बीइंग इमोशनलेस. वो कह रहे हैं कि डिटैचमेंट का मतलब इमोशन लेस नहीं है, बल्कि डिटैचमेंट का मतलब है गाइड्स अस टू स्टे अवे फ्रॉम मिसगाइडेड इमोशंस एंड लीड्स टुवर्ड्स द राइट इमोशंस. जबकि जो डिटैचमेंट है उसका मतलब है कि जो गलत इमोशन हमारे अंदर जनरेट हो रहा है उससे हम दूर रहें और सही दिशा में अपने इमोशंस, अपने संवेगों को आगे बढ़ाएं. उसी तरह से इक्वेनिमिटी, ये बहुत बड़ी बात है, अगर हम इसको अपने जीवन में ला सकें तो निश्चित रूप से आप फील करेंगे कि आप बेहतर फील करते हैं. समात्व, वो कह रहे हैं आप एक तरह रहिए, अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ावों में काम रहिए. जैसे कहा जाता था ना कि साधु पुरुष जो हैं वो मतलब समान होते हैं, किस तरह से जैसे डूबता हुआ सूरज और उगता हुआ सूरज, लगभग वो हल्की लालिमा लिए हुए जो सूरज होता है उसी की तरह साधु पुरुष. मतलब आपको कहा जाए कि लीजिए आपने टॉप कर लिया तो आप उछल जाते हैं, और कहा जाता है कि फेल हो जाते हैं तो रोने लगते हैं. तो वो कह रहा है कि काम आपको रहना है अप्स एंड डाउन्स में. देयर लाइफ लाइक द सन विच रिमेन्स अलाइक इन राइज एंड फॉल, इट इज़ वेरी बिग टीचिंग लिखा है इसमें. नाउअडेज अवर स्टूडेंट्स कमिट सुसाइड ऑन स्मॉल डाउनफॉल. से आपने नीट का एग्जाम दिया, पास नहीं हुए, सुसाइड कर लिए, तो आपकी जिंदगी का उद्देश्य नीट का एग्जाम पास करना था क्या? आपका इतना छोटा आपकी जिंदगी का उद्देश्य है कि नीट का एग्जाम पास करना है? अगर इन बच्चों को डिटैचमेंट पता होता तो ये कभी सुसाइड नहीं करते. मतलब आपके लव पार्टनर ने धोखा दे दिया, आप एग्जाम नहीं पास किए तो आप सुसाइड कर लेते हैं. दे मस्ट अंडरस्टैंड दैट देयर एम इज मच बिगर देन दीज पिटी शॉर्टकमिंग्स. उनको ये सिखाना होगा कि उनकी ज़िंदगी के लक्ष्य इन छोटी छोटी कमियों से बहुत बड़े हैं, उनकी ज़िंदगी का उद्देश्य बहुत बड़ा है. एजुकेशन मस्ट बी सच दैट स्टूडेंट्स कैन लर्न टू रिमेन काम एंड डेवलप कॉम्पोजर. मतलब आप कॉम्पोजिट रहते हैं, छोटी मोटी चीज़ों से आप विचलित नहीं होते हैं. श्री कृष्ण हिमसेल्फ प्रेजेज इक्वेनिमिटी एंड कंपेयर्स दिस विद योग. श्री कृष्ण जी ने भी जो समात्व है उसकी प्रशंसा की थी और इसकी योग से तुलना की थी. फिर एम्फेसिस ऑन ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देखिए हम लोग आजकल ना बहुत अवेयर हैं, बहुत हमको अपने राइट्स के बारे में पता है, तो हम पूछते हैं ये राइट वो राइट, ये राइट वो राइट. हम कभी ये नहीं पूछते हमारी ड्यूटी क्या है. ये हमारा मतलब एक इस तरीके का नेचर ही बन गया है. जबकि ये कह रही है फिलॉसफी कि आप अपनी सिर्फ ड्यूटी कीजिए, अपने आप आपको राइट्स मिलेंगे. फिर आपको राइट मांगना नहीं पड़ेगा, दुनिया दौड़ के देगी, संसार प्रकृति आपको आपके राइट्स देगी. लेकिन अगर सिर्फ राइट राइट करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला. अवर ग्रेट इंडियन कल्चर इम्फेसाइजेज ड्यूटीज ओनली नॉट राइट्स. हमारे जो भारतीय संस्कृति है उसने सिर्फ ड्यूटी की बात की, राइट्स की बात नहीं की है. बीइंग ह्यूमन मीन्स बीइंग ड्यूटीफुल. अगर आप मनुष्य हैं इसका मतलब आपको कर्तव्य अपना पूरा करना है. वो कर्तव्य आपका अपनी पढ़ाई के प्रति है, अपने परिवार के प्रति है, अपने देश के प्रति है, किसी के भी प्रति है. बट मॉडर्निटी अटर्स द ऑपोजिट कंसेप्ट. हम आधुनिक हो गए ना तो हमको चाहिए कि राइट, ये हमारा ह्यूमन राइट है, ह्यूमन राइट है, हम बॉर्न हैं फ्री और हमको तो ये राइट मिलना चाहिए, वो राइट मिलना चाहिए. नो वट इज विलिंग टू परफॉर्म एनी सॉर्ट ऑफ ड्यूटी. और काम किसी को नहीं करना है. काम का मतलब काम नहीं, काम का मतलब कर्तव्य जो निहित है आपके लिए जरूरी है. द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट राइट्स विल फॉलो ऑटोमेटिकली टू दोज इंडिविजुअल्स हु आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज विदाउट डिजायर्स. और इसका सबसे रोचक तथ्य यह है कि राइट अपने आप आपको मिल जाएंगे उन व्यक्तियों को, उन इंडिविजुअल्स को जो अपनी ड्यूटीज विदाउट डिजायर पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं या करते हैं. तो
If today's students can learn this single concept from his marvelous scripture, from this marvelous scripture, student unrest from all over the world can vanish. वो कह रहे हैं कि अगर सिर्फ ये एक छोटा कंसेप्ट हम अपने स्टूडेंट्स को इस marvelous जो इतना खूबसूरत ये स्क्रिप्चर है इससे सिखा सके, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि सिर्फ भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में जो स्टूडेंट अनरेस्ट है, जो मतलब अनरेस्ट होकर स्टूडेंट्स घूमते हैं, कुछ भी गलत सलत काम करते हैं, वो ख़त्म हो जाएगा. फिर मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस, एक क्या कई वीडियोस बन सकते हैं मेडिटेशन पे. योग को क्या कहते हैं कि योग जुड़ना है किसका, आत्मा और परमात्मा से. कहते हैं ना कि आप उस दशा में चले जाइए जब आप एकदम, आपको अंदर से लगेगा कि ऊर्जावान हैं आप, इस तरीके की बातें की जाती है. मैं तो नहीं मेडिटेशन करती हूँ, बट मतलब जानती हूँ इसके फ़ायदे, बट ये मेरी शॉर्टकमिंग है कि मैं अपनी पूरी दिनचर्या में इसके लिए समय नहीं निकाल पाती हूँ. तो गीता टीचर्स अस टू अटेंड द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्वेशन थ्रू मेडिटेशन ओनली. वो कह रहे हैं सिर्फ योग से, ध्यान से ही आप सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं. इन द स्टेट ऑफ मेडिटेशन वन बिकम फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस एंड अटैचमेंट टू वर्ल्डली डिजायर्स. आजकल कह रहे हैं ना, बहुत मतलब फिर से भगवान, मतलब ईश्वरीय कृपा है कि मेडिटेशन को फिर से इतना पॉपुलराइज हो गया है मॉडर्न वर्ल्ड में. जैसे कुछ भी आप कहेंगे कि हमको आजकल गुस्सा बहुत आती है, हम चिड़चिड़े रहते हैं, तो आपको जो जानकार लोग हैं वो सलाह देते हैं कि मेडिटेशन करो. इसमें हम फ्री हो जाते हैं जो एक्सपेक्टेशंस हैं, हम जो दूसरों से अपेक्षा करते हैं फिर फुलफिल नहीं होती, फिर हम रोते हैं. जो वर्ल्डली डिजायर्स है, हमारा अटैचमेंट, इन सब से हम मुक्त हो जाते हैं. व्हेन मेडिटेशन इज मास्टर्ड, द माइंड इज अनवेवरिंग लाइक द फ्लेम ऑफ ए लैम्प इन ए विंडलेस प्लेस. मतलब कह रहे हैं कि जब आपको इसमें मास्टरी मिल जाती है, तो आपका दिमाग एक उस तरीके की मतलब फ्लेम की तरह हो जाता है, जो एक मतलब एक लैम्प की तरह से जल रहा है, एक लैम्प की फ्लेम की तरह से हो जाता है, जो विंडलेस प्लेस, यानी कि हवा नहीं है बिल्कुल उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, उसको बुझाने के लिए, और वो बढ़िया चल रहा है, एकदम जल रहा है, धधक रहा है. माइंडफुलनेस इज अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस वेयर वन इज नॉन जजमेंटल, ओपन माइंडेड एंड प्रेजेंट सेंटर्ड. माइंडफुलनेस कहा जाता है उसको कि जब हम जजमेंटल नहीं होंगे किसी के लिए, किसी को ये नहीं कहेंगे तुमने गलत किया सही किया, ओपन माइंडेड होंगे हम, अपना विस्तृत करके मन मस्तिष्क चलेंगे, और आज के समय में रहेंगे, ना पास्ट में रहेंगे ना फ्यूचर में रहेंगे. इट इज एज लॉन्ग कंसेप्ट एंड इज प्रैक्टिस्ड इन ईच रिलीजन इन वन ऑफ दी अदर वेज. और हर धर्म में इसकी बात की गई है कि माइंडफुलनेस का सेंट्रल प्रिंसिपल है कि आपके मन पे आपका नियंत्रण हो. तो इस तरह से बहुत कुछ है, आप इसे पढ़िए, मतलब ये तो मज़ा आ रही है इसको बोलने में, बट टाइम लग रहा है. फिर इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज एक्शन एंड डिवोशन, वो कह रहे हैं कि जोड़ना है हमको, एकीकरण करना है किसका, ज्ञान का, कर्म का और भक्ति का. अगर ज्ञान, कर्म और भक्ति का इंटीग्रेशन हो गया तो कुछ बचा ही गया. गीता असर्ट्स दैट द पेनिशिया ऑफ ऑल अवर कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेसेस मेंटल इश्यूज प्रॉब्लम्स एंड वरीज लाइज इन यू. गीता ने हमको बताया है, गीता के दर्शन ने, कि सभी जो हमारे दुख हैं जीवन के, उनके रामबाण योग में निहित हैं. और गीता में तीन तरीके की योग की बात मिलती है. ज्ञान योग, जिसका मतलब नॉलेज या विजडम से है. कर्म योग, जिसमें सेल्फलेस एक्शन, मतलब आप उसमें डिटैच होकर काम करिए. और भक्ति, यानी कि डिवोशन योग. तो ये सारा अगर इंटीग्रेशन हो गया तो बस सुख ही सुख है. और फिर सेल्फ डिसिप्लिन, हमको सेल्फ डिसिप्लिन होकर रहना है, हमको सेल्फ कंट्रोल सीखना है, मेडिटेशन और योग से हमको आ ही जाएगा. और सेल्फ डिसिप्लिन ये होता है कि कोई आपका सुपरविजन ना करे तो भी आप गलत काम नहीं करेंगे. सेल्फ डिसिप्लिन अगर स्टूडेंट्स होते तो इनविजिलेटर्स को पूरे टाइम क्लासरूम में बोलना नहीं पड़ता, अपना देखो, अपनी कॉपी देखो, दूसरे मत झांको. ये सेल्फ डिसिप्लिन नहीं, वो इसलिए नहीं दूसरे की कॉपी में देख रहे हैं क्योंकि आप उनके सर पर खड़े हैं. जैसे ही आप हटेंगे वैसे ही आपको क्लास में पूरा शोर होने लगेगा ऐसे ऐसे कि कितना कुछ पूछ लें और बता दें. तो we are not self-disciplined at all. And all-round development of personality, जब आपको rational हो गए, आप intellectually superior हो गए, आप spiritual development हो गया, physically strong हो गए, योग से, detachment से, emotionally intelligent हो गए, तो बचा क्या, आपकी personality का all-round development हो जाएगा. आपने ये सब सीख लिया फिर अगर आप detachment आपने सीख लिया, worldly desire, anger, greed आप पर असर नहीं कर रहे हैं, तो आपको मतलब सर्व मतलब उत्तम सुख की प्राप्ति हो जाएगी. फिर ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच, क्योंकि गीता ने, क्यों, क्योंकि वो कह रही है कि जो आप में जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, तो वो मनुष्य को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है. मॉडर्न एजुकेशन इज टू टॉक मच अबाउट ह्यूमनिस्टिक फिलोसफी एंड साइकोलॉजी. ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी चलती है. कार्ल रोजर्स उसके एक बहुत बड़े ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं ज़रूर इनको. और विजडम बहुत बात हम लोगों ने बार बार की है कि नॉलेज, बींग नॉलेज, बींग नॉलेजेबल एंड बींग विजडम फुल में, विजडम बहुत बड़ा है नॉलेज से. नॉलेज में तो बस हमको पता है कि ये है, विजडम में हमको पता होता है कि हमको क्या करना है. विजडम लाइज इन द हाइएस्ट हायरार्किकल स्टेज ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान की जो सीढ़ी है उसमें विजडम सबसे ऊपर है. तो विजडम में आपको ये पता होता है कि आप क्या सही है और क्या गलत है, और उसमें से आप सही को चुनते हैं. ये होता है विवेक.
है ना, तो हमको अगर हम गीता की फिलॉसफी को फॉलो करेंगे तो हमको पावर ऑफ विजडम पता चलेगी और हम इसको मतलब अपनाने की भी कोशिश करेंगे और सिखाएंगे अपने स्टूडेंट्स को। तो इस तरह से बाद में मैं थोड़ा सा जल्दी निकली बिकॉज बहुत टाइम टेकिंग हो जाता, बट इसको आप और पढ़िए और पढ़िए और पढ़िए, आपको आनंद आएगा इसको पढ़ने में। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट टीचिंग एंड सेइंग्स ऑफ गीता इटर्नल एंड इमॉर्टल, आपको लगता है हज़ारों साल बाद भी ये उतना ही मतलब रेलेवेंट होगा, इसकी इसकी रेलेवेंसी कभी जानी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको मानव मात्र से इसका ये जुड़ा हुआ है, मानव मात्र की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की शिक्षा मिलती है हमको कि हमको क्या करना है, कैसे अपने द्वंद्वों से ऊपर उठना है, कैसे डायलेमा दूर करना है। यही लिखा है कि इट वॉज रेलेवेंट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, हज़ारों साल पहले भी ये रेलेवेंट था, हज़ारों साल बाद भी रेलेवेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये हमको सिखाता है कि हमको अपना इग्नोरेंस, ईगो, अटैचमेंट, एवर्जन और फियर्स कैसे दूर करके एक सेल्फ फुलफिलिंग, हैप्पी और जॉयस लाइफ जीनी है। सो इट्स रेलेवेंस इज बियॉन्ड रिलीजन, कल्चर, रेस, कास्ट, क्रीड एंड नेशन, मतलब किसी धर्म, संस्कृति, राष्ट्र सबसे ऊपर है इसकी रेलेवेंस और हमको समझना चाहिए, क्योंकि योग की इंपॉर्टेंस को पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया है और गीता जो है वो योग पर बहुत इम्फेसिस करती है, क्योंकि योग क्या है, यूनियन है, जुड़ाव है, योग है, योग जोड़ना, जोड़ना किसको जोड़ना है, आपको अपनी सोल को सुप्रीम बींग से जोड़ना है, यही योग है। सो मतलब इतनी बड़ी फिलॉसफी को मैं कैसे इतने छोटे से मैं बताऊँ, फिर भी आई हैव ट्राइड एंड आई कैन थिंक सो दैट इट विल बी यूजफुल फॉर यू। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। बहुत ज़्यादा मेरे कान को कष्ट दे रहा है।